मुझे यकीन ही नहीं होता कि तुमने हम सबको घोस्ट हंटर्स बान एडिशन पर जाने के लिए बना लिया है। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं होता। मैं तुम्हें जॉन से मिलाता हूँ। ये आज रात हमारे गाइड होंगे और ये वहाँ पर सब कुछ फिल्म भी करेंगे। अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये हेडफोन लगा लेंगे तो जब हम चिल्लाएंगे तभी हमें सुनेंगे कैसे? इनको कम से कम 5 सेकंड का डिले तो लगेगा ही, कम से कम। है, तुम लोगों से मिलके बहुत ठीक लगा। अब ये बताओ, तुम में से किसको अपनी खोपड़ी खुजानी है मेरे संग? मुझे लग रहा है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा। ग्वेन, क्या आप 1 मिनट के लिए चैट कर सकते हैं? जैसे कि मैं थोड़े से शब्द फेंकूंगा जल्दी जल्दी, क्योंकि तुम ऐसी चीजें कैमरे में नहीं बोल सकते। अगर तुम बोलोगे तो तुम्हें ना ज्यादा थम्स डाउन मिलेंगे, और वो भी ऊपर से नीचे एक होम वीडियो शॉट की तरह। सबके पास अपनी अपनी फ्लैशलाइट्स है ना। चलो ये घोस्ट पार्टी शुरू करते हैं। हर एपिसोड में हमारे पास एक घोस्ट एनकाउंटर हुआ करता था, तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को इसमें कुछ भी निराशा होगी। आओ शर्त लगाते हैं, कौन अपनी कुकी सबसे पहले आने वाला है। मुझे इतना पता है कि मैं अपना धैर्य सबसे पहले खो दूंगा, इससे पहले कोई खोए ना खोए। चलो आओ कुछ भूत ढूंढते हैं। तो ऐसा मान लो कि तुम दोनों लोग घोड़े पर बैठे हो, ठीक है, और ये यहाँ पर एक फैमिली रखी है, एक सैडल और एक टैक पर। और हमें पहले से ही पता चल गया है कि ये यहाँ पर बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने वाली है। इससे पहले कि हम शुरू करें, मुझे कुछ चीजों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। देखो, यहाँ पर कुछ नियम है जो कि हमें शुरू करने से पहले मानने ही मानने पड़ेंगे। पहला, कुछ भी फेंकना नहीं है, हमें अपने कैमरे को नहीं टूटने देना है। अगर एक भूत तुम्हारी तरफ आ रहा है तो एक अच्छी खबर है। दूसरा, किसी भी शारीरिक तरल पदार्थ को उचित सुरक्षा सावधानियों के साथ तुरंत साफ करने की आवश्यकता होती है। क्या इसने अभी अभी शारीरिक तरल पदार्थ का? अरे इसका मतलब भी क्या होता है ये बता दे। अरे ठंडा हो जा ग्वेन, अगर हम अपने पत्ते भी खेलेंगे ना तो यूट्यूब पे फेमस हो जाएंगे। हो सकता है हमें अपना खुद का कार्टून मिल जाए, समझा? सुनने में अच्छा लगता है। चलो एक काम करते हैं, अपना कैमरा ऊपर उठाते हैं ताकि हम एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाए। मैं काम करता हूँ, EMF मीटर को यहाँ लगाता हूँ। मैं अपनी मशीन को यहाँ रखने वाला हूँ और ये तुम्हें रिकॉर्ड करने वाला है। सब कुछ नॉर्मल रखना। इतनी जोर जोर से सांस लेना बंद करोगे? अरे मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मैं तो यहाँ से खिसकने वाला हूँ, बता रहा हूँ। अगर कोई हमें सुन सकता है तो कोई इशारा करे, जैसे कि कुछ खटका सकते हो। वाह, मेरे को पता है क्या लगा, वो हे बेल्स की वजह से वहां जो बाल्टी रखी है ना वो हिल रही है। तुम चेक करो, तुम्हारे EMF मीटर ने कुछ दर्ज किया क्या? शायद हाँ, मुझे लगता है ये दाहिने से थोड़ा सा हिला है। इसका मतलब ये है कि जो भूत है वो बहुत ही गुस्से में हमसे बात करने के लिए। हो सकता है बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। अच्छा, ऐसी बातें समझने में भूत भी चकरा जाते हैं क्या? सच्ची? ये कौन सी आवाज थी? ये मध्यम मध्यम रोशनी कहां से आ रही है? ये बताओ, ये भूतों को अंधेरा इतना पसंद क्यों रहता है? यार ये नॉक नॉक जोक है क्या? यार मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, पर मुझे एक अजीब सी गंध जरूर आ रही है। ये बंदा ना पूरा आइंस्टाइन है। अरे भाई, हम घोड़े के बाद में, और ये कह रहा है मैंने कुछ अजीब सुन लिया। एक काम करो, इस बंदे को विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दे दो। अपनी तमीज याद करो ग्वेन। हाँ, मैं भी कुछ सूंघ पा रहा हूँ, कुछ तो है। मुझे लग रहा है जॉन सही कह रहा है। हाँ, सबको ही लग रहा है, मैं क्या ही बोलूं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, मैं थक गया हूँ। मुझे लगता है कि भूत का शिकार करना एक थका देने वाला काम है। हॉर्स बार में ग्रीन स्लाइम ठीक है ना? ये घोस्टबस्टर्स नहीं है, तो मैं स्लाइम कहां से दिख गई? अरे देखो, यहाँ पर स्लाइम की लंबी कतार लगी हुई है। अरे वाह, ये क्या है? इसका मतलब ये डरावनी नहीं है बल्कि बचकानी है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? उन्होंने मुझे बोला था कि इस एपिसोड में एक छोटी वाली बच्ची भी होने वाली है। मुझे तो लग रहा है ये बड़ा सा ग्रीन ब्लॉब होने वाला है। चलो जो भी होगा, भूत से तो अच्छा ही होगा। आह, बहुत ही क्यूट है, एकदम मस्त बंदा है, खुश। अरे इसकी मुस्कान तो देखो, आए नजर ना लग जाए। थोड़ा संभल के बहन, हो सकता है पास जाओ तो उससे अच्छा ना लगे। अरे भाई, उसने अभी मुझे स्लाइम किया, अच्छी बात नहीं है।
दोस्तों अभी हम थोड़ा स्क्रिप्ट के बाहर हो जाने वाले हैं, ठंड रखो, एक मिनट रुको और हमें हमें खुशी वाली जगह मिल जाएगी। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? दरवाजा तो उसने बंद कर दिया। हाँ, मैं बस मैंने खत्म कर ही लिया। मैं कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, बाकी के सारे जो भी एपिसोड थे वो सब फर्जी थे। मैं एक धोखेबाज हूँ, मैं तो सिर्फ एक कलाकार हूँ। मैं बताऊँ, मेरा हो गया है। मुझे लगता है मेरे मम्मी पापा बिल्कुल सही कहते थे मेरे बारे में। मुझे ना कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना चाहिए था। अब मुझे लगता है इस स्टिंकी बान जिसमें स्लाइमर है उसमें मेरी मौत होने वाली है। केविन लेविन, अबे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो टेनिसन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो जॉन? अरे हम सब यहाँ क्या कर रहे हैं भाइयों? मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ। मैं तो अपने लिए एक प्रोग्रामिंग की जॉब ढूंढूंगा, कुछ C++ पढ़ूंगा और सबब्स में अपने लिए एक घर खरीदूंगा बस। ऐसा लगता है कि ग्रैंडपा मैक्स ना बच्चों को देर रात तक जगाने की आदत डाले हुए हैं। एक बात बताओ, तुम बच्चा किसे कह रहे हो? तुम तो खुद वो बच्चे हो जिसे अकेले में डर लगता है। पूरे US में मेरा चक्कर काटते रहते हो। आराम से बन, हमें अभी योजना के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है आज की रात के लिए हमने बहुत अच्छी घोस्ट हंटिंग कर ली है, अब हीरो बनने का वक्त आ गया है। ग्रे मैटर, क्या वाकई हम इसे कैसे हिलाने डुलाने वाले हैं? वैसे मूवीज में घोस्टबस्टर्स जो होते हैं वो अपना प्रोटॉन पैक यूज करते हैं ताकि बॉक्स के अंदर जाकर वो इसमें विस्फोट कर सके। केविन, क्या तुम अपना प्रोटॉन पैक आज अपने साथ लाए हो? केविन यहाँ सिर्फ अपना गंदा सा एटीट्यूड लेकर आया है और कुछ नहीं। सही कहा ना लेविन, मैं यहाँ इतनी दूर तुम गधों की मदद करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए आया हूँ, केविन्स डायबॉलिकल एक्सप्लॉइट्स। मुस्कुराओ टेनिसन, तुम अभी कैमरे पर हो। हाँ जो भी है, मैं इस एक सेल वाले अमीबा से बाद में निपट लूंगा, अभी मैं अपने कामों में उलझा हुआ हूँ। स्लग और नमक दोनों एक साथ नहीं मिलते, सही कहा ना? हाँ, लेकिन तुम दोनों अब जाकर ये तो बताओ। मैं टैग रूम में वापस जा रहा हूँ, मुझे वहां पर एक नमक की दीवार दिखाई दी थी जो कि वो अक्सर घोड़ों को देते थे। क्या होगा अगर हम अपने छोटे घिनौने उपद्रव को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं? मुझे लगता है बिल्कुल ठीक होगा। नीचे आ जाओ ग्वेन, चलो चलते हैं। केविन एक काम करो, इसे कैमरे पर ले लो। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वहां चले जाओ और जाके उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों निर्णय लिया, कि उन्होंने इस खलियान में रहने का फैसला क्यों किया आखिर। तो स्लाइम आदमी, इसी वाले खलियान में क्या चीज तुम्हें लाई? उसने मुझे थप्पड़ मारा। चिंता मत करो बॉस, मैं सब कुछ कैमरे पर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। अभी बताओ मुझे क्या करना है। स्लग के फीट के लिए इसे रोल करते रहो और देखते जाओ क्या होता है। ठीक है, अभी तो ये बच्चा है, मैं बस लगभग उसे उसके घर पहुंचा ही दूंगा। क्या हम उसे रख सकते हैं ग्रैंडपा? नहीं नहीं, एक रस्ट बकेट में दो दो ग्रैंड किड्स रखना बहुत ज्यादा उदम का काम हो जाएगा। चलो यहां से चलते हैं, इस फुटेज को मिटा दो। मैं अपने खुद के चैनल पे खुद में एक थप्पड़ जड़ते हुए किसी को नहीं देखना चाहता। चलो बढ़िया है, हम लोग यहाँ पर YouTube पर मशहूर होने वाले नहीं है। बहुत बुरा हुआ, मुझे अपने आप को कार्टून के रूप में एक बार देखना था। हाँ, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मैं बहुत क्यूट होता। पर चलो कोई नहीं, किसी और दिन।